अभी भी बैटरीज और ये चार्जर काफ़ी सही काम करता है। रेड होता है, देन येलो होता है, देन ग्रीन होता है, देन ये वाला कलर आ जाता है। और इसमें ऑटो कट भी है, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है कि लाइक बैटरी फुल जाएगा या बैटरी ख़राब हो जाएगा, कोई दिक्कत। को दिखा दो तो, जब चार्जर में हम लगाते हैं तो ये कैसे करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये लो और ये लो, और बाकी जो जितने भी आता है ना, आई थिंक रेड होना चाहिए। हाँ रेड। हे गाइस, ये है मेरे पास एक ड्यूरासेल का बैटरी जो कि है ट्रिपल ए वाला, और आज हम इसका रिव्यू करेंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चैनल को आप लोग कर दो सब्सक्राइब एंड फॉलो करो इंस्टा पे मल्टी डॉट इन्फोस एंड फेसबुक पे मल्टी इन्फो 28। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट बॉक्स में, ज़रूर देख लेना। अभी हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो ऐसा पैकेजिंग हो गया है अमेजोन की तरफ से, और मैंने दो क्यों मंगाया है उसका भी बता दूँ मैं अभी। तो पहले हम निकाल के देख लेते हैं। तो एक जो है मैंने इसको पहले ही खोल के देख लिया था, आई थिंक ये वाला है, और इसको मैं दिखा दूँ। तो ये वाला है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, खाली है। सो इसको मैंने पहले ही ओपन करके चेक कर लिया था, लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया ओपन करके, तो ये आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँगा। और ये क्यों किया, क्योंकि मुझे बताना था कि इसका लाइक काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार ओपन कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग का काम ख़त्म करते पहले, इसके यहाँ से फाड़ देते हैं। ठीक है, और ये तो ऐसा कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम है। तो ये है पैक ऑफ 4, ठीक है, और ये है पैक ऑफ 2। इसमें हमें दो बैटरीज मिल जाती है, और इसका जो MAH है वो है 750, जो काफ़ी सही है, देख सकते हो आप। तो जैसे इसमें चार बैटरी तो 4 लिखा हुआ है, इसमें 2 लिखा हुआ है। ड्यूरासेल रिचार्जेबल सेल 750 mAh, दो बैटरी है इसमें, और इसका पीछे कुछ ऐसा है। और इसमें आपका यह है कि इफ़ इट इज़ नॉट इन यूज़ तो ये आपका 12 मंथ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चार्ज जाएगा इसमें, 100+ चार्ज कर सकते हो इसमें, और ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका जो प्राइस लिखा ये है, यहाँ पर देख सकते हो 275, बट ये मुझे पड़ा था 249 का। एंड इसमें प्राइस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ये 650 का, बट ये मुझे पड़ा 449, राइट, 450 का। अभी मैंने ये क्यों मंगाया है इसका बताता हूँ रीज़न, और मैं आप लोग को ना इसमें बताऊँगा चार्ज कैसे करना है उसका भी बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यह है कि मेरे पास मोशन लाइट, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, अब देख लेना। सो इसमें क्या है कि आप इसमें ये वाली बैटरी जलती है, इसमें ट्रिपल ए वाली, बट इसमें अगर हम डाल देना बैटरी तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसे लाइक एवरीडे का बैटरी हो गया, पैनासोनिक का हो गया, अलग अलग टाइप के जो होते हैं, तो वो अगर बैटरीज डालोगे तो उसमें क्या है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला मंगाया मैंने। तो इस ऐसा मेरे पास और एक है, तो तीन तीन छः हो गई बैटरी, यहाँ पे है 6 बैटरीज हो गई। तो इसलिए मैंने इसको मंगाया, और मैंने इसको टेस्ट भी किया। सो मैंने, मुझे लगा था कि चलो ये हम लगाएंगे तो कम से कम हमारा ये चलेगा 3-4 घंटा चलेगा, बट इसने जो बैकअप दिया है वो दिया है 9 घंटे का। लेकिन उसमें मैंने पता क्या किया, जस्ट मैंने इसको निकाला और इसमें लगा दिया, और इसको ऑन करके छोड़ दिया। यहाँ पे है ऑटो ऑन, इसका भी कैसे फंक्शन करता है इसका भी बता दूंगा मैं इसी वीडियो में, लेकिन इसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसको निकाला बैटरी, इसको इसके अंदर डाल दिया मैंने, डाल के इसको ऑन करके रख दिया। पूरे 9 घंटे तक ही चला पूरा, और रोशनी भी काफ़ी अच्छा करता था। अब मुझे लगा उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, बट ये इसका चीज़ क्या है, जैसे हम लगाया और इसमें एक ऑटो का ऑप्शन है, तो जैसे ही कोई भी मोशन डिटेक्ट होता है, जैसे आप इसके पास से जाते हो सर के, तो इसमें लाइट ऑन हो जाता है। तो सोचो अगर वो कंटिन्यू चल रहा है इतना, तो अगर आप जब ये जब कोई जाएगा, जब कोई आएगा तो तब ये चलेगा, तो सोच सकते हो कितना लॉन्ग चल सकता है ये। तो इसलिए मैंने मंगाया ऐसा, और एक है, एक वार्म कलर का, एक कोल्ड कलर का है, और डायरेक्ट मैंने इसको लगाया था। अगर मैं इसको चार्ज करके लगाया था फर्स्ट टाइम, जैसे निकाला चार्ज किया इसको देन लगाया था, तो ये आई थिंक 12 घंटे भी बैकअप दे सकता है। नाउ चार्ज करने का सिस्टम क्या है, ये है मेरे पास पैनासोनिक का, मैं तो दिखा दूँ आपको अच्छी तरह जूम करके। तो ऐसा कुछ है चार्जर, और ये स्मार्ट चार्जर है, इसमें आप डबल ए और ट्रिपल ए दोनों कर सकते हो, और इसका भी वीडियो बना रखे, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना इनके आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं इसका है, इसका मुझे लिंक दे दो, तो सबका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में भी चेक कर लेना। और ऐसा कुछ है, और इसमें डबल ए एंड ट्रिपल ए दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे हमने ट्रिपल ए लगा दिया एंड डबल ए भी लगाया तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम पे 4 बैटरी से चार्ज हो सकती है, चाहे वो डबल ए हो या ट्रिपल ए हो।
ये है ट्रिपल ए, ठीक है, डबल ए जो थोड़ी मोटी वाली होती है जिसमें जो घड़ी वाली होती है ना वो वाली। ओके नाउ ऐसा कुछ है, स्मार्ट चार्ज है, ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लगा के भी देखेंगे, ठीक है, ये देख लो। एंड इसको हम करते हैं थोड़ा कनेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार, ये जो बैटरीज है ये मैंने इसमें रिचार्ज कर लिया था और इसको चार्ज करने में लगभग मुझे लगा है एक, तीन बैटरीज इसमें लगे थे तो एक बच गया था, तो तीन बैटरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा था मिनिमम 4 घंटे, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम चार्ज हो रहा है इसलिए, बट सेकेंड टाइम से आई थिंक इतना नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास डबल ए वाला भी बैटरी है तो उसमें क्या है कि वो आपका 1 घंटा 2 घंटे तक हो जाता है आराम से चार्ज, तो ये भी आई थिंक जल्दी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से। और इसका मैंने फुल चार्ज कर रखा है तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, ये चारों का मैंने किया है चार्ज, तो एक बार ना हम इन चारों को लगा के देख लेते हैं, फिर इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है, चार्जर में। एक बार हम इसमें लगा के देखते हैं कैसा ये हो रहा है, ये ऑफ में है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते, एक इधर हो गया, एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया। और काफ़ी पावर ज़्यादा है इसका, देख सकते हो, ठीक है। और ये ऑफ, और ये हमारा हो गया ऑटो, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन, हमेशा ऑन रहेगा ऑटो में जैसे मोशन, और ये 20 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है, जैसे रात को अगर आपको कहीं जाना हो रहा है ना तो आप ऐसे भी करके इसका यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे बैटरी है इसकी कवर कुछ ऐसा है, इजीली लग जाता है ऐसा करके, कहाँ गया, ऐसा करके फिर ऐसा लॉक हो जाता है, और इसमें मैग्नेट है तो इजीली कहीं पर भी चिपक जाता है, ये मैग्नेट है, हाँ देखो जैसे यहाँ पे ये वॉल पे लगा हुआ है तो आप इसका आराम से ऐसे चिपका सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अभी हम सिंपल क्या करते हैं, इन बैटरी को खोलते हैं, वही पर मैं आपको दिखाता हूँ जब चार्जर में हम लगाते हैं तो ये कैसे करते हैं। और ट्रस्ट में ये जो चार्जर है ना और ये बैटरी जो है भाई वर्थ है, मतलब आप आग बंद करके ले लो। मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रखा है आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 6 महीने नहीं 9 महीने हो गए, अभी भी बैटरीज और ये चार्जर काफ़ी सही काम करता है। रेड होता है, देन येलो होता है, देन ग्रीन होता है, देन ये वाला कलर आ जाता है, इसका होता है फुल चार्ज हो गया, अभी भी सही वर्क कर रहा है, अच्छा बैकअप देता है, और इसका भी मैंने चेक करके देख लिया, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर ले सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये लो और ये लो, और बाकी जो जितने भी आता है ना पैनासोनिक का है, पैनासोनिक का तो यही है, जैसे अलग अलग ब्रांड के क्या था एनलोप का है, देन और भी कंपनीज के हैं, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो सब मैंने ट्राई तो नहीं किया, एनवी का है मैंने ट्राई किया था, बैटरी उतना अच्छा नहीं है उसका, सस्ते में मिलता है, मतलब 1000 mAh का आपको पता नहीं कितने का, 100 रुपये का मिल जाता है रिचार्ज बैटरी एक। तो मेरे हिसाब से आप ये स्मार्ट चार्जर लो और ये बैटरीज ले लो डोरासेल का, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, डबल ए या ट्रिपल ए, और यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको कुछ लगाने का तरीका कुछ ऐसा है इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं जब लगा रहा था मैंने सोचा ये फिट क्यों नहीं हो रहा, ये देखो गिर गया, ऐसे लगाया लेकिन ये गिर जाएगा ऐसे, ओहो ये तो नहीं फिट हो रहा, देखो इसको फिट करने का तरीका मैं बताता हूँ, सबको नीचे सारे वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, माइनस में रहेगा और कुछ नहीं करना, इसे प्रेस कर देना है, बस हो गया ये, ठीक है। और इसमें जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है और ये ऑन करूँगा तो ये सिंक करता है बैटरी, क्योंकि स्मार्ट चार्जर और महंगा भी है ये वाला, ये आपको लगभग 1500 का मिलता है, इसका रेट कम हो रहा है आजकल, पहले कम नहीं होता था, 1300 का भी मिल जाता है, तो देख लेना अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है। तो अभी इसमें येलो दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली अभी ग्रीन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ लुक भी काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, आप देख सकते हो, मतलब तो होता ना मुझे तो अच्छा लग रहा है, ऐसे देख सकते हो, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना, थोड़ी देर बाद ग्रीन होगा फिर ये ऑटोमेटिकली ऐसा कलर आ जाता है, इसका मतलब है कि ये फुल चार्ज हो गया, ग्रीन मतलब फुल नहीं हुआ, ग्रीन मतलब कि वो चार्ज हो रहा है 90% और ऐसा होने के बाद 100% हो जाता है चार्ज, तो उसका मतलब है आपको निकालना है। और इसमें ऑटो कट भी है तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है कि लाइक बैटरी फुल जाएगा या बैटरी ख़राब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब इसको खोल के देखते हैं, एंड ऐसे कुछ इसको हम कैसे निकालें, कट दिया हुआ है इन्होंने,
एक इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और एक यहाँ से, तो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं हम इसको, और इसको वैसे लगा के कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे प्रेस कर देना है बस। और इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, आपके सामने दिखाते हैं क्या क्या शो करता है। आई थिंक रेड होना चाहिए, रेड, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो बैटरीज होती है ये प्री चार्ज होती है इसमें, तो ऐसा नहीं कि आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो पैकेट में आया, निकालो, यूज़ करो, फिर चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है कि ज़ीरो कर दो इसका पूरा, फिर चार्ज करो एक बार, तो अच्छी तरह ये वर्क सही करता है। या स्टार्टिंग में आप इसको चार्ज कर लो तो और बढ़िया है, ठीक है। एंड हमेशा ट्राई करना है कि पूरा ज़ीरो करो, फिर एक सर्कल कंप्लीट होता है फिर बैटरी का, तो वो काफ़ी सही रहता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये अभी चार्ज हो रहा है, और अभी हम अगर बात करें इस बैटरी की, तो इसमें आपको 900 mAh का भी मिल जाता है, वो भी आप देख सकते हो। एंड डबल ए वाली जो है उसमें भी आपको ज़्यादा का मिलता है, 2000 mAh का मिल जाता है, 2200 mAh का। तो जो मैंने लिया था वो 1300 mAh का था, और काफ़ी अच्छा बैकअप देता है, और ये भी काफ़ी अच्छा बैकअप देता है। मतलब 750 mAh इंटू 3 का क्या करके, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटरी होता है, तो इसलिए ये लाइट काफ़ी देर तक दिया था। अगर देखो दोनों येलो हो गए, अभी रेड था वैसे, तो मैंने आप लोग को सभी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो ले सकते हो आप, इनके जो लिंक्स है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लेना। एंड ऐसा कुछ है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, फॉलो करो इंस्टा में मल्टी डॉट इन्फोस, फेसबुक पे मल्टी इन्फो 28। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।